दिल्ली के स्वरूप नगर थाना इलाके से कादीपुर में दो बच्चे गायब होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद परिवार और पुलिस प्रशासन बच्चे को ढूंढने निकला। ऐसे में जो पीड़ित परिवार है वो हिरणकी स्टैंड पर पहुंचा, जहां पर लोगों से जानकारी ली बच्चों की, जिसमें कि पाया कि एक सीसीटीवी जो गांव के स्टैंड पर ही एक दुकान में लगा था, जिसमें बच्चे आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि हिरणकी स्टैंड से बख्तावरपुर की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जो कादीपुर से गायब हुए थे, और ये बच्चे दोनों पैदल ही पैदल काफ़ी कई किलोमीटर चले। इसके बाद गांव के ही कुछ लोगों ने इन बच्चे को ढूंढने की मदद की और अपनी कार लेकर बच्चे को ढूंढने निकले। तो ऐसे में पाया कि जो बच्चे हैं वे बख्तावरपुर की तरफ मिले, जिसके बाद परिवार को सूचना दी। सर, दो बच्चे गायब होने की सूचना मिली थी, उसके बाद अब बच्चे आप लोगों ने ढूंढे हैं, तो क्या कुछ आपको पता चला था? और उसके बाद भाई हमारे यहाँ दुकान पे कैमरे लगे हुए हैं, कादीपुर बिहार से दो बच्चे गायब हुए थे, उन्होंने पहले फुटेज चेक करी कैमरे में, तो दो बच्चे यहाँ पे दिखाई दिए थे स्टैंड पे, तो बख्तारपुर की तरफ जाते दिखाई दिए थे। उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट भी कराया था, क्राइम ब्रांच की टीम भी आई थी, फिर हम लोगों ने भी जाके वहाँ से उन बच्चों को ढूंढा बख्तारपुर में, जो कि बकोली के पास मिले हैं, शमशान घाट के पास में, कच्चे रोड पे। लगभग कितनी उम्र थी बच्चों के? दो बच्चे थे, एक 8 साल का था और एक 5 साल का। तो उसके परिवार में कितने लोग ढूंढ रहे थे? पुलिस भी लगातार आप ढूंढ रही थी? क्राइम ब्रांच की थी दो टीम, उसके माँ बाप थे और भी उनके जो सगे संबंधी थे वो भी ढूंढवा रहे थे उनको। क्या बच्चे घबराए हुए थे या बच्चों को नजर देख के अपने पेरेंट्स को रोने लगे थे यहाँ पे? उनके हवाले कर दिए बच्चे, अब वो लेके चले गए यहाँ से, अपना एड्रेस बता भी नहीं रहे थे। मतलब उन बच्चों को कुछ अंदाजा था कि वो किस तरफ जा रहे हैं? नादान बच्चे थे वो, उनको कुछ नहीं पता था। परिवार ने कुछ बताया हो कि भाई? नहीं, उन्होंने तो बस हैंडओवर कर लिए थे बच्चे अपने, वो लेके चले गए क्राइम ब्रांच की टीम के साथ।